आज की तो वीडियो हो गई। इतना कुछ क्या है? वीडियो हो गई ना। अभी सर का फोन आया था, वो रखा एक और प्रोडक्ट। मैं काम नहीं कर रहा, जा नौकरी छोड़ के चल निकल, चल मैं कर लूंगा, चल। नौकरी भी नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम है उत्कर्ष। जैसा कि आप जानते हैं, हम एक आपको टेंट की अनबॉक्सिंग दिखा चुके हैं, तो ये है हमारी सेकंड अनबॉक्सिंग, वो भी डिकैथलन प्रोडक्ट की है। जो कि आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो है डिकैथलन का, क्या कहते हैं उसे, सिंगल बेड, फोल्डेबल सिंगल बेड। तो ये रहा हमारे पास प्रोडक्ट, जैसे कि आप देख सकते हो। वो तो नहीं है, ये चारपाई है, ये तो नहीं है प्रोडक्ट में, चारपाई सिंगल। रास्ता वास्ता करा नहीं करा, किधर आओ। तो दोस्तों, आज हम जा रहे हैं अनबॉक्स करने डिकैथलन का सिंगल बेड, जो कि है फोल्डेबल सिंगल बेड। जैसे कि आप देख सकते हो, ये इस बैग में आता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, कैंप बेड, लिट द कैंप, इट्स इन अनदर लैंग्वेज, डिकैथलन। एंड इसके अंदर लिखा हुआ है इजी असेंबली, ऑल इन वन। एंड इसके अंदर ये ऐसी एक सिंगल बेड बन जाता है, जो कि डायमेंशन अगर आपको बताऊं, 192 सेंटीमीटर और 44 सेंटीमीटर इसका हाइट है, एंड इसकी विड्थ है 66 सेंटीमीटर, मींस 26 इंचेस, व्हिच इज अराउंड 2 फीट। MRP 3999, वारंटी 5 इयर्स। इसमें MRP 3999 है, लेकिन हमारे को जो ये मिला है वो मिला है 3499 के अंदर। मगर इसमें ये क्या बुराई है, 1000 रुपये की आती है चारपाई। पैसा बहुत है भाई की जे ऐसा जेब में रखा कैश। चलो, तो हम जा रहे हैं दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग करने। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मटेरियल में आता है, ये कपड़ा वाला मटेरियल है। कपड़ा मटेरियल हम कैसे कह सकते हैं, वो कौन सा मटेरियल होता है, कौन से वाला कपड़े, ये जो कैनवास टाइप का कैनवास मटेरियल है ये वाला। एंड इसके पीछे ये जो इसमें लगा हुआ है हैंडल टाइप का, इससे आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो, इजीली कैरी कर सकते हो। जब आपको नौकरी से निकाला जाएगा ना, तब ये वाला बेड दिया जाएगा सड़क के बाहर चलने के लिए। तो ठीक है, आई हाईली अप्रिशिएट दिस थिंग, मगर हम आपको ये नहीं देंगे, महंगा पड़ेगा, आपको चारपाई देंगे। तो ठीक है, चारपाई दे दीजिएगा कम से कम, इतनी तो फिक्र कर रहे हो मेरी। तो दोस्तों, अब हम जा रहे हैं इसको यहाँ से बाहर निकालने। ये इजी टू कैरी दिखाया हुआ है बैग, लेकिन ये हैवी बहुत है, इससे पता चलता है किसी क्वालिटी अच्छी होगी। तो अब हम जैसे कि जा रहे हैं, इसको निकालते हैं, इसको यूँ पकड़ना है, इस बैग को ऐसे खींच देना है। इसके अंदर दोस्तों एक मैनुअल भी दिया गया है, जो कि इसके अंदर दिखाया गया है कि इसे हमें कैसे खोलना है। पहले खोलना सीख लूँ, तो हमारे को ऐसा बंद मिलता है, हमें सबसे पहले इसको खोलना है, उसके बाद इसको थोड़ा हमारे को एलोंगेट करना है, खोल के देखते हैं ना, सीख जाएंगे, इसमें दिक्कत क्या है भाई, एंगल डिफरेंस हो गया ना, मेरी सैलरी कट जाएगी, नहीं होगा कुछ भी। मैं तो यही है, कोई नहीं पढ़ता, चलो हम क्या रहता, वैसे भी बीटेक करी हुई है, हम बीटेक, यू नो, इंजीनियर, सब्सक्राइबर, शी इज वॉचिंग यू। तो दोस्तों, ये रहा हमारा सिंगल बेड डिकैथलन का। अब हमारे को इसको जो खोलने का तरीका है वो ये है, जो इसकी ये वाली पोजीशन है, हमें इसमें से इसको ऐसे रखना है, ये उल्टा है, हाँ हमें उल्टा ही खोलना है पहले। तो हमने इसको ऐसे रख दिया फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे को इसको करना है एलोंगेट, ऐसे करके हम इसको खींचा, आपने देखा क्या जादू हुआ, जैसे ही हमने इसको खींचा तो इसके जो ये साइड वाली लेग्स हैं ये अपने आप खड़ी हो गई। ये वाला जो इसका मिलता है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रैप, इससे हमारे को करना है टाइट, हमने कर दिया इसको टाइट। एंड इसको जब पूरा हमने खोल लिया, जैसे कि आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मिलता है, अब आप सोचोगे हम इस पर बैठेंगे तो बंद हो जाएगा, नहीं, ये मिलता है इसका लॉक, हम इसका ये लेंगे और इसको लगा देंगे ऐसे लॉक में, एक लॉक इधर मिलता है और एक लॉक मिलता है हमारे को दूसरी जगह पे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरा लॉक फ्रेंड्स ये रहा हमारे पास, लेंगे हम और इसको लॉक लगा दिया, अब हम इसको करेंगे सीधा। तो दोस्तों, हमारा सिंगल बेड फॉर कैंपिंग हो गया है तैयार,
अब मैं जा रहा हूँ इस पे सोने, क्योंकि ये हो गई है अनबॉक्सिंग कंप्लीट। अभी मैं बताऊंगा आपको कि इस पे लेट के कैसा महसूस होता है। टूटेगा तो नहीं? डिकैथलन का है, मेरे को कंपनी नाम रखेगी अपना। तो दोस्तों, अगर आप कैंपिंग पे हो और वहां पे अगर आपको इतना कंफर्टेबल बेड मिल रहा है तो यू आर लकी, क्योंकि जब हम इस पे लेटते हैं तो इसके अंदर ये आप देख रहे हो, ये कंफर्ट फीलिंग मींस इसके नीचे कुछ भी नहीं है, लोहे का स्ट्रैप स्ट्रैप कुछ भी नहीं है। तो आपकी जो बॉडी की शेप है ये उस बॉडी की शेप में ही ढल जाती है, ये वाली जो शीट है कैनवास की। तो इसके अंदर जब हम लेटते हैं तो बैक सपोर्ट की बात करें, शोल्डर्स की बात करें, तो ये कपड़ा हमारे को हर जगह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे हाथ भी रखूँगा तो आप देख सकते हो सारा कंसंट्रेट बीच में ही हो गया, और जब मैं लेटता हूँ जो शोल्डर्स हैं, बैक है, उन सबको ये इकट्ठा सपोर्ट करता है। इसके कंफर्ट लेवल की बात करूँ, अगर आप एकदम सीधे सो रहे हो जैसे मैं सोया था, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एज़ कम्पेयर टू इन्फ्लेटेबल बेड। ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है। एंड इसके अंदर अगर आप ऐसे साइड से सोते हो, उसमें सोने की आदत है, तो ये आपको थोड़ा परेशान कर सकता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि उसमें क्या होगा, जो सारा प्रेशर होगा वो आपके शोल्डर पे कंसंट्रेट हो जाएगा। अगर आप ऐसे एकदम सीधे होकर सो रहे हो तो ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। एंड इसके अंदर अगर मैं स्पेसिंग की बात करूँ फ्रेंड्स, जैसे कि जब मैं लेटा था तो मेरे को हाथ की जगह पर लगा था कि थोड़ी ज़्यादा स्पेसिंग होनी चाहिए थी, अगर ज़्यादा स्पेसिंग होती तो और ज़्यादा कंफर्ट लेवल इसका बढ़ जाता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मैं इसकी इजी टू यूज़ की बात करूं, आप अगर कैंपिंग पे जा रहे हैं, आपके पास कोई भी व्हीकल है तो उसमें स्पेस कंस्ट्रेंट रहता है, आप वो लेके नहीं जा सकते, चारपाई टाइप कुछ नहीं लेके जा सकते। उसके अंदर ये जो इसमें फोल्डेबल टेक्निक है उससे अगर हम कंपेयर करें तो ये बहुत ही ऑसम प्रोडक्ट है। इसको आप जाके वहाँ लगा सकते हो, विद इन सेकेंड सेटअप हो जाता है एंड आप इसका कंफर्ट लेवल इंजॉय कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारे यूनिक प्रोडक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, हिट द लाइक बटन एंड प्लीज शेयर आवर वीडियोस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियोस, बाय। खत्म।